अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असगर तूफानी शायर। आज अपने सारे भाइयों के लिए बताऊंगा मैं कि मुझे 8 महीने से कुछ लोग बार परेशान कर रहे हैं। जैसा कि भाई मैं एक कलाकार हूँ, तो मेरे लिए मैंने हमारा MLA है वाजिब अली भाई साहब, उसके लिए अपनी तरफ से कुछ गाने गाए थे, तो वो अच्छे गाने थे, बहुत अच्छे गाने थे, समाज सुधार के भी थे, बहुत अच्छे थे। तो मैंने उनसे पैसे नहीं लिए थे भाई, जब वो गाने गाए थे मैंने उनसे पैसे नहीं लिए थे। तो ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला का शुक्र हुआ कि भाई वाजिब अली भाई जीत गए, तो उन्होंने खुशी से मेरे लिए गिफ्ट में एक बाइक दे दी। तो हरियाणा के कुछ लोग बाग अंदरूनी क्या पता नहीं मुझे क्यों जलन हो गई उनके, तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे गलत सलत बोलने लगे, आपने अच्छा नहीं किया भाई, ऐसे गायक को आपने बाइक दे दी। तो सबसे पहले तो यह है कि 2 साल पहले रही साहब जो आपका मंत्री है, उसने सुबीन तेड़ वाले को बाइक दी थी, आपने उस पर आवाज़ नहीं उठाई, तो सिर पे कसकर तूफान। तो आपके कितनी आग लग रही है मेरे भाइयों, ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। उन लोगों को बता रहा हूँ मैं, उनसे बोल रहा हूँ जो लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं मेरे बारे में, गलत सलत वीडियो वगैरह वगैरह जो छोड़ रखी हैं जिन लोगों ने। फिर उसके बाद में उस पत्रकार ने बहुत ज़्यादा वो करी थी, वो गुबराड़ी था शायद, रमजान जोगी, ज़्यादा बड़े इज्जतदार आदमी, हमसे ज़्यादा बड़ी इज्जत हुआ कि हमसे ज़्यादा बड़ा फैन है, हमसे ज़्यादा मेवा चाहे हुआ गंडक है। फिर उसके बाद में सिकरावा खान ने वीडियो बना दी मेरी फैमिली के ऊपर, गलत, बहुत गलत वीडियो जो लोग बागन ने देखी। मैं इन्हें जानू भी ना हूँ भाई, मैं इनको जानता ही नहीं हूँ, कहाँ के रहने वाला है, क्या है, पीछे पता चलता है कि वो वहाँ का है, वहाँ का है, एक पाकिस्तानी से टच में आके। फिर छोटे मोटे चैनलों पर वीडियो बनाते गए, एक नावली का था उसने, मुझे पता ही नहीं, मेरे ऊपर 4-5 परिवार, CM मिंडो, प्रधानमंत्री, फिरोजपुर झिरका थाने में, कहाँ कहाँ, मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, झूठ लगा दिए भाई उसने। मुझे काफ़ी दिन परेशान रखा, फिरोजपुर थाने पे गया, 1-2 आदमियों को लेकर मैं कई बार गया था, काफ़ी रुपये उसने खर्च करा दिए। सिर्फ किस वजह से कि मैं एक राजस्थानी हूँ, एक कलाकार हूँ, क्योंकि मेरे सामने सारी में बात को पता है, फिलहाल तो हरियाणा के सारे कलाकार जो फैल हैं। अरे यार भाई, मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं भी एक हरियाणा राजस्थान मेवात का रहने वाला हूँ, जब आपके कलाकारों में टैलेंट ही नहीं है तो मेरी बराबरी कैसे कर सकते हैं भाई। भाई चिड़ो मत उनसे, बोलो कि भाई आप असगर तूफानी जैसी शायरी करो, आप उसकी तरह अच्छे गाने भरो, मेरी फैमिली के बारे में गलत सलत वीडियो या मेरे बारे में गलत सलत वीडियो यूट्यूब पर डालने में क्या मिलता है भाई आपको, क्यों बदनाम करने में लगे पड़े मुझे, आप कर देते हो और फिर जब मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ तो आप थाने पर रिपोर्ट करने भगते हो, कभी SP साहब गए, कभी कहीं परिवाद, कभी कहीं हैं। अरे जब मुकाबला करना तो सामने से करो ना, आप हमारी फैमिली के बारे में, हमारे बारे में गलत बोलते हैं, जब हम अगर बोलें तो आप रिपोर्ट करने भगते हो, केस करने भगते हो, क्यों भगते हो भाई। सबसे यार मैं भी तो एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं भी एक मेवाती हूँ, और आप अब आप साथ दे रहे हैं उसका, मुझसे तो आपको नफरत है, आप साथ दे रहे हैं उसका। अभी उसने एक वीडियो अपलोड की थी, उस पर टाइटल लिखा हुआ है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और आप उसकी सपोर्ट कर रहे हो, जबकि हम बोलते हैं कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कश्मीर को बोलते हैं जन्नत, और मेवा किसको बोलते हैं, मेवात को, मेवात हमारी मेवा है, कश्मीर को जन्नत बोलते हैं, तो हम अपनी जन्नत को पाकिस्तान में क्यों जाने देंगे भाई। कश्मीर के लिए तो हम जान भी दे देंगे, हर कुछ दे देंगे, लेकिन आप उस पाकिस्तानी की आप सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मुझे आपसे किसी से कुछ लेना देना नहीं, मैं ये अपनी कलाकारी पर ध्यान रख रहा हूँ, आप मेरे पीछे इस तरह लगे हुए हो, कभी वीडियो बना रहे हो, कभी मारने की धमकी देते हो, कभी मेरे ऊपर झूठा नाजायज केस कर देते हो, और अब तो यहाँ तक कर दिया आपने कि जो मेरा यूट्यूब से खाता लिंक है या मेरा पर्सनल खाता है, जिसमें भाई ड्राइवर वगैरह जो भी अपनी ऐड दिलवाना चाहता है, मैं उसके लिए
खाता नंबर देता हूँ भाई, पैसे डाल दो आपका ऐड हो जाएगा। आपने उस खाते को ही बंद करा दिया। क्या चाहते हो भाई मुझसे? ना मैं चोर डकैत हूँ, ना मैं गलत काम ही नहीं करता भाई, आप मुझे क्यों परेशान करते हो? फिर भी कुछ लोग हैं हरियाणा के ऐसे जो मुझे 8 महीने से इतना परेशान कर रखा है, मुझे पता है जितना मैं परेशान हूँ। अब एक भीमाक मुबीन है, उसने वीडियो बनाई है, भड़वा है, यह है, वो है, फलाना है। अरे भीमाक, तू हमसे ज़्यादा इज्जतदार है। मेरी काई किसी भी बीमा वाले से, किसी से भी भाई मेरी कोई प्रॉब्लम ना, ना मेरी कोई लड़ाई, ना कोई जानरू में, कोई इसको टेंशन ना है। एक आड़ो से मुबीन सऊदी में रहो, यानी मेरे खिलाफ़ वीडियो बना दे, असगर तूफानी है। अरे कम से कम 1,000-2,000 कलाकार हैं मेरे बात में, किसी और के बारे में तो बोलो तुम। एक असगर तूफानी दिखता है क्योंकि नफरत तो मुझसे है कि मैं एक राजस्थान का हूँ। तुम अपने दिलों में नफरत करते हो कि ये राजस्थानी, ये हरियाणा का, ये वो ये वो। मैं सबको एक समान समझता हूँ, क्यों मैं समझता हूँ हम हिंदुस्तानी हैं। और तुम हरियाणा राजस्थान, ये पीछे से मैं भी हरियाणा का हूँ, नई गांव मेरा, ठीक। और सुन कड़संडा मुबीन, तू बहुत धमकी दे रहा है मेरे खिलाफ़। तू मेरे खिलाफ़ बोल सके है ना, तो मैं तेरे खिलाफ़ बहुत ज़्यादा बोल सकूँ, ठीक। मैं अभी तेरी फैमिली है, अपनी सी फैमिली समझ रहा हूँ, नहीं तो पता ना कहाँ असर करो। और मैं कर भी दूँ हूँ, मैं इतनी धमकियाँ में मेरे पास हर दिन कम से कम 10-20 फोनों पे, तो तुझमें गोली देंगे, तुझमें ये करेंगे, ये करेंगे। अगर मैं केस करने लगूँ तो भाई पुलिस भी मुझसे परेशान हो जाएगी कि तू यार एक दिन में 50-50 केस कंप्लेन लेके आ रहा है। तो भाइयों क्या करूँ मैं, इतना परेशान कर रखा है, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे इन्होंने कर दिए। लेकिन ऊपर वाला बहुत बड़ा है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो बंद तो तब होऊंगा मैं, अगर गलत करूंगा तो मरूंगा। लेकिन इन्होंने झूठे परेशानी तो हो जाते हैं ना भाई, और फिर झूठे केसों से कुछ नहीं बिगाड़ सके, फिर इन्होंने बीड चालू कर दी बनानी फैमिली के बारे में गलत बोलने की, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। धमकी इन्होंने इतनी दी हैं और दे रहे हैं फिलहाल भी, तो उनसे कुछ ना हो रहा। अब यहाँ तक कि जो खाते में भाई ऐड के लिए पैसे डालते हैं लोग बाग, ड्राइवर हैं, ऑपरेटर हैं, बाहर कमाने वाले लड़के हैं सब, तो इन्होंने उस खाते को ब्लॉक करा दिया। यार सारी मेवात को पता है कि मैं एक मेवात का अच्छा शायर हूँ, अपने मुँह से नहीं कहना चाहिए। आप भाई सारे जितने भी मुझे जानते हैं सब जानते हैं कसगर तूफान कैसा शायर, कैसा कलाकार। अरे मंत्री, सरपंच, MLA, सांसद और कांग्रेस, BJP सारी पार्टियों को मैं गाना भरता हूँ, सबसे ज़्यादा भरता हूँ, सबसे अच्छा भरता हूँ। अगर कोई समाज सुधार का कोई गाना आएगा तो सबसे अच्छा मेरा आएगा। फिर भी मेरे पीछे क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे क्यों लगे हो भाई? क्या चाहते हो तुम मुझसे? अपनी फैमिली प्यारी नहीं है क्या तुमको? ना मैं गोली चला, ना कुछ, मैं अपनी कलाकारी से तुम्हें पता भाई, मुझे परेशान मत करो। नहीं मुबीन, लास्ट की वीडियो तैने बनाई तो धमकी देवे ना, तेरी धमकी से कुछ होने वाला नहीं है। तू पाकिस्तानी का सपोर्टर है, उसी के चैनल पर तूने वीडियो अपलोड कराई है, और तुम 4-5 बंदों ने हरियाणा को, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, पाकिस्तानी के चैनल पर वीडियो अपलोड करा चुके हो तुम। और वो हमेशा देशद्रोही की बात करता है, पाकिस्तानी तो पाकिस्तान की बात करेगा, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हम पाकिस्तान की क्यों करेंगे? लेकिन तुम उसकी सपोर्ट करते हो, उस पर लिखते हो कमेंट में, एहसान भाई अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दो, बहाण को रिश्तों करवाना हो अकवासू, बहाण देगा अपने कॉन्टेक्ट नंबर करके। तुमको पता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की कितनी बड़ी लड़ाई चलती है हुँ? और धमकी देते हो जहाँ मिलेगा तुझे मार देंगे। अरे तुम गाली देने से, इससे तो अच्छा है तुम मुझे मार दो ना। लेकिन आज बोल रहा हूँ कि मेरे ऊपर कभी भी कहीं भी हमला, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जाति दुश्मनी या किसी का मुझ पर कोई कर्ज है या मैं चोर बदमाश हूँ, कुछ नहीं मेरे ऊपर। लेकिन मुझ पर कभी भी कोई हमला होगा तो ये पाकिस्तानी समर्थक करेंगे, आज वीडियो में बोल रहा हूँ खुल्लम खुल्ला। तो मुझे पता नहीं कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का रहने वाला है, मुझ पर अगर कोई हमला करेगा तो सिर्फ पाकिस्तानी समर्थक करेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी से मेरी किसी से भी जो हिंदुस्तान से प्यार करता है कोई लड़ाई नहीं है, ना किसी का पैसा है, ना किसी का कुछ है।
तो अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों।